ओके भाई, सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स देखने के बाद इतना जरूर पता चल गया कि ये एक गॉड लेवल मूवी थी। इसके जोक्स, डायलॉग्स, दूसरे मूवीज के रेफरेंसेस, मार्वल के रेफरेंसेस काफी जबरदस्त लगते हैं। तो आओ यारो, सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के ऊपर बात करते हैं। तो जल्दी से मैं इस मूवी का तुमको प्लॉट समझा देता हूँ। तो मूवी तुमको वहीं से कनेक्ट होती है जहाँ इसने पहले पार्ट में छोड़ा था, जब सजाम वो विजार्ड का स्टेप को तोड़ देता है। तो उसी चीज से रिलेटेड हमको ये पूरी मूवी देखने को मिलती है, जहाँ तुमको दो एटलस की बेटी आती है सजाम से अपनी पावर लेने के लिए, बिकॉज वो विजार्ड के छड़ी में उनकी पावर रहती है। जब सजाम वो विजार्ड की छड़ी तोड़ देता है, तब दोनों बेटी आजाद हो जाती है, अब आई है अपनी पावर को वापस लेने के लिए। मूवी का स्टोरी उतना कुछ इम्पैक्टफुल नहीं है जो देखने के बाद तुम्हें लगे क्या स्टोरी थी, पर जिस तरीके से डेविड सैंडबर्ग ने मूवी को डायरेक्ट किया है वो काबिले तारीफ थी। एक सिंपल से स्टोरी को इतना मजेदार बना देना मानना तो पड़ेगा ही। मूवी में तुमको ऐसी ऐसी चीजें हैं जो देख के तुमको काफी मजा आने वाला है। सबसे पहले तो सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड सजाम के पहले पार्ट है ज्यादा फनी, कॉमेडी और अच्छी है, स्टोरी वाइज भी और कॉमेडी वाइज भी। ये पूरी मूवी तुमको एक लाइट हार्ट टोन फॉलो करती है पहले पार्ट की तरह ही, जहाँ फर्स्ट पार्ट में फ्रेडी एज ए साइड कैरेक्टर रहते हुए अपना काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं, उसी तरह सेकेंड पार्ट में फ्रेडी उससे बेटर कॉमेडी डायलॉग्स को इम्प्रोवाइज करते हुए डिलीवर करते हैं। इन सिंपल वे फ्रेडी एज ए साइड कैरेक्टर होते हुए तुमको ज्यादा मजा दे देता है। फ्रेडी को तुम जब जब स्क्रीन पर देखोगे तब तक तुमको हंसी जरूर आएगी, उसके कॉमेडी, फनी सीन, डबल मीनिंग डायलॉग्स देखकर काफी मजा भी आता है। अब ये सजाम की मूवी है तो ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ कॉमेडी लाइट हार्टेड टोन ही मूवी फॉलो करेगी। मूवी में तुमको कई सारे इम्पैक्टफुल और इमोशनल सीन भी इसे देख के तुम हल्का रो भी सकते हो। बिली और उसके परिवार का रिलेशन ही ले लो, कि कैसे एक बच्चे के अपने असली माँ बाप छोड़ देते हैं पर दूसरी फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है। मूवी के ग्राफिक्स वर्ड्स कहे तो विजुअल वर्क्स काफी जबरदस्त है। ये मूवी तुमको पहले पार्ट की तरह 100 मिलियन में ही बनी हुई है, पर उसे बेटर और अच्छी वीएफएक्स सीजीआई तुमको प्रोवाइड कर देता है। जितने भी वीएफएक्स और सीजीआई वाले शॉट से लगभग पूरी मूवी है, वो तुमको कहीं भी निराश नहीं करेगी। तुमको एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ स्लो मोशन प्लस वो पावरफुल बीजीएम तुमको पूरा गूज़बम्स दिला देती है और वे एक्शन को इनहेंस करके प्रेजेंट करती है। मूवी का फर्स्ट हाफ में तुमको लाइट हार्टेड कॉमेडी, टीम बॉन्डिंग, थोड़ी मेरी बकचोदी देखने को मिल जाती है। देन वही सेकेंड हाफ में तुमको पूरा एक्शन के ऊपर फोकस किया गया है, जहां तुमको एक क्लाइमेक्स प्रोवाइड की जाती है, अच्छी क्लाइमेक्स। तुमको सेकेंड हाफ में भी कॉमेडी है, जहां फ्रेडी अपना कमाल एज ऑलवेज दिखा ही रहा है। मूवी में जितने भी कास्ट है सबने अपना बेस्ट दिया, एंड पर्सनली मुझे ग्रेस कार्लोइन की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई है। क्या लगती है भाई, मूवी में तुमको कई सारे सुपर मेटा जोक्स डाले गए हैं, जैसे कि तुमको सजाम एके बिली एटलस की एक बेटी को खलीसी बुलाता है, देन उसके बाद तुमको एफडी एवेंजर्स का रेफरेंस डाला गया है और भी बहुत सारे मेटा जोक्स डाले गए हैं जो तुमको काफी मजा दिलाते हैं। सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड का असली पावर था उसका विजुअल इफेक्ट्स, तो तुमको कहीं कहीं पे थॉर रैग्नारोक को याद दिला देते हैं। सजाम का ड्रैगन के साथ फाइट करने का सीक्वेंस भी तुमको काफी जबरदस्त लगेगा। पर मेरी एक कंप्लेन है सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड के मार्केटिंग टीम से, कि उन्होंने मूवी का क्लाइमेक्स और मूवी के जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे वो सबको टीवी स्पॉट पर डाल के पूरी मूवी स्पॉइल कर दी है। तो अगर तुमने अभी तक टीवी स्पॉट नहीं देखा तो बच के ही रहना। तो ओवरऑल बात यही कि सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स एक काफी एंटरटेनिंग मूवी है, तुमको हंसाएगी भी, कभी कभी इमोशनल भी करेगी, पर पूरी मजे देगी। जैकरी लिवाई ने यह साबित कर दिया कि वो एक परफेक्ट एक्टर है सजाम के लिए। अगर वो आने वाले डीसीयू में रिप्लेस होते हैं भाई काफी ज्यादा हर्ट करेगा। मूवी में तुमको दो पोस्ट क्रेडिट है, जो पहले वाला वो तुमको आने वाले डीसी को हिंट देता है, पर दूसरे वाला टाइम पास ही है, तो इसके ऊपर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम अभी मार्वल मूवी से कंपेयर करो एंटमैन से, थॉर लव एंड थंडर से, तो उससे ये काफी बेटर मूवी निकल के आती है सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। तो मेरा यही कहना है ये मूवी को तुम प्यार दो, जिसके कारण ये मूवी आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो नए डीसीयू में। तो बस यही था सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स का रिव्यू। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर तुमको जानने की तुम सजाम को कैसे बचा सकते हो तो ये वाली वीडियो चेक कर लेना, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमैटिक फर्स्ट।